लाल बर्रा पुलिस ने 4 देसी पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। उनके खिलाफ आर्म एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिवनी की ओर से 2 युवक अवैध हथियार लेकर मोटरसाइकिल में आ रहे थे। इसी के चलते पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपी शेख मोहम्मद निवासी बेहर चौकी बालाघाट और साउथ खान निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी बालाघाट को पकड़ा और उनकी तलाशी ली, जहां उनके पास से 4 देसी पिस्तौल बरामद किए गए, जिसमें से एक पिस्तौल में मैगजीन भी भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। न्यूज इंडिया N9 बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। पुलिस महानिदेशक महोदय पिछले 3 माह से गुंडा बदमाश और अवैध शस्त्र के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में उक्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। कल शाम लाल बर्रा में करीब 1700 बजे सूचना प्राप्त हुई। TI साहब लाल बर्रा एवं IG साहब के स्टाफ के सब इंस्पेक्टर धारे जी और कई पुलिसकर्मी जो है घेराबंदी के लिए तैयार थे। कुछ लोग कंजई में भी थे। जैसे मोटरसाइकिल कल शाम को पहुंची, मुखबिर की सूचना की तस्दीक की गई और उसको रोकने का प्रयास किया गया। दोनों मोटरसाइकिल सवार जो है कटमझरी रोड में निकल गए आगे। काफ़ी पीछा करने के बाद फिर पुलिस के पीछा करने से लगातार ये जो है भैया के पास जाकर गिर गए और जब इनकी तलाशी ली गई, इनसे पूछताछ की गई तो 2 व्यक्ति के नाम सामने आए। एक है शेख मोहम्मद इरशाद, दूसरा शेख मोहम्मद शफीक, 35 साल का है ये, बैहर कॉलोनी बालाघाट का है। और दूसरा है सऊद खान पिता अकबर अली खान, 25 साल का है, चंगेरा थाना राम पायली का, आजकल ये फ्रेंड्स कॉलोनी बालाघाट में रहता है। इन दोनों को पूछताछ की गई। इनके पास तलाशी में 4 हमको ये पिस्टल बरामद की गई है, जो नई हैं, कंट्री मेड हैं। और पूछताछ करने के बाद इनके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट का मामला भी कायम किया गया। गाड़ी लापरवाही को मोटरसाइकिल चला रहे थे, इसके खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया है। जो 4 पिस्टल बरामद हुई है उसकी लगभग अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है और मोटरसाइकिल पैसन जिसका नंबर मैंने आपको अवगत कराया है वो करीब 7000 रुपये। देसी है या विदेशी? ये कंट्री में देशी है। क्या इन्होंने और कोई वारदात में शामिल होने का अवैध बिक्री करने के लिए सौदा उनका हुआ होगा और उसको लेके आ रहे थे। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और इसके जो सोर्सेज हैं, कहाँ से बनी है, कहाँ से किसने इनको दिया था, ये किसे सप्लाई कर रहे थे, पूर्व में भी क्या इनके द्वारा इस तरह का कोई काम किया गया है, इस संबंध में विवेचना कर रहे हैं। पूछताछ में कुछ सत्ता के सामने अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसमें अवगत नहीं कराता हूँ। और कहीं कोई वारदात में संलिप्तता पाई गई? अब ये सब हमारा इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, पुलिस रिमांड ले रहे हैं इनका। वैसे क्या लग रहा है, जैसे 4 पिस्तौल एक साथ एक ही जगह पे मिलना, इन्हें कोई बड़ी घटना हो सकती थी बालाघाट जिले में? नहीं, ये सप्लाई के लिए ला रहे हैं। सर कहाँ से ला रहे थे ऐसा कुछ बताया नहीं? अभी सब चीज़ जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन होने से मैं आपको बता सकता हूँ। बरामदगी जो है इस संबंध में किन स्थान से गिरफ्तार किया सर, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये जो है कटनझरी रोड में नाला के पास एक मोटरसाइकिल, नगपुरा ग्राम के पास। सर ये किस रूट से आ रहे थे? ये इधर सिवनी तरफ से आ रहे थे। सर इस मतलब इस विभाग में ये पहले ही मामला सर? नहीं, इसके पहले भी कट्टे पकड़े गए हैं, कंट्री मेड हथियार पकड़े गए हैं, पर इतनी बड़ी ये बरामदगी पहले बार है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी लाल बर्रा रघुनाथ कारगरकर जी, उप निरीक्षक मनोहर लिहारे ये IG ऑफिस में पदस्थ हैं, इनके पास ही सूचना मिली थी और थाना स्टाफ का काफ़ी बल जो है और IG साहब के कार्यालय का बल भी इसमें शामिल। सर ये बालाघाट जिले में सेल करने वाले थे या बाहर लेके? अभी इस विषय में हम आगे जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए अभी इस बात करते हुए मैं अभी आपके सामने अवगत नहीं करा सकता। अभी क्या कार्रवाई की गई सर? अभी इनको गिरफ्तार करके इनको न्यायालय भेजा जा रहा है और इनको पुलिस रिमांड लिया जा रहा है।